मार्केट से आप ऐसे ही मिठाइयाँ लेकर आते हैं जिन्हें घर पर बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। फेस्टिवलों पर ये मिठाइयाँ लंबे समय से बनाकर रख दी जाती हैं, स्टोर की जाती हैं, जो अनहाइजेनिक होती हैं। तो क्यों ना वही टेस्ट के साथ इन मिठाइयों को घर पे बनाएं। सबसे पहले गैस पर एक पैन पतीला रख लेंगे और इसमें दूध को ऐड कर देंगे। तो क्वांटिटी आप कम या ज्यादा ले सकते हैं। मैंने 300 ml दूध का इस्तेमाल किया है। गैस की फ्लेम को मीडियम करके 5 मिनट में इसे गर्म कर लेना है। उबालना बिल्कुल भी नहीं है। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम 1.5 से 2 चम्मच नींबू के रस को ऐड कर देंगे। इसे चलाते रहेंगे ताकि ये बराबर तरीके से दूध में मिक्स हो जाए। 2 से 3 मिनट बाद दूध हमने फाड़ लिया है, इसका छेना बना लिया है। अब आप कहेंगे कि इतने से छेना का आप क्या करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, आगे बताते हैं कि इस छेना का क्या करना है। सबसे पहले तो इसे छान लेना है और इसमें नींबू के कारण हल्की सी खटास आ जाती है, तो एक्स्ट्रा पानी ऐड करके इसे वॉश कर लेंगे। जो पानी हमने छाना है उसे आप आटा गूंथ सकते हैं, रोटियां बना सकते हैं। और ये पनीर हमारा तैयार हो गया। इसे मैश करना है तो हमने बड़ी सी थाल में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसमें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर का ऐड करेंगे तो बढ़िया सा टेस्ट आएगा। और हाथों से रगड़ करके इसे चिकना करना है। देखिए कुछ इसी तरीके से मैश करना है तो बढ़िया सा चिकना हो जाएगा। या फिर मिक्सी का छोटा जार लीजिए और 2 सेकंड में ही ये तैयार हो जाएगा, बढ़िया सा सॉफ्ट हो जाएगा। हाथों से थोड़ा सा समय लगेगा पर पनीर कम है ना, तो हम इसी तरीके से मैश करके तैयार करेंगे। अगर आप पनीर के 2 या 3 छोटे पीस ऐड करेंगे तो वो भी लगभग इतना ही होगा। और ये देखिए काफी सॉफ्ट हो गया है। मिठाई में अलग सा फ्लेवर लाने के लिए इतना ही काफी है। चलिए आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये मार्केट वाला 700 ग्राम मावा लिया है। इसे मीडियम फ्लेम में कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। आप घर पे खोया बनाना चाहते हैं तो लगभग 4 लीटर दूध में 1 केजी खोया आराम से निकल जाएगा। लगभग 10 मिनट हो चुका है, मावा बढ़िया सा पिघल गया है और इसे भून भी लिया है ताकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर वगैरह मावा में रहता है वो निकल जाए। और फिर हमने 200 ग्राम शुगर ऐड किया है। हलवाई इसी क्वांटिटी में शुगर ऐड करते हैं। और मिठाइयाँ ना ही ज़्यादा फीकी होती हैं और ना ज़्यादा मीठी होती हैं। अगर आप थोड़ा सा मिठास पसंद करें तो इसमें 100 ग्राम शुगर और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मीडियम फ्लेम में कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो शुगर बढ़िया से मेल्ट होते जाएगी। फेस्टिवल सीजन पर इस खोया मिठाई की मांग मार्केट में सबसे ज़्यादा होती है और लोग महंगे दामों पर इस मिठाई को बेचते हैं। अगर आप घर पर इस मिठाई को तैयार करेंगे तो काफ़ी सस्ते में इस मिठाई को तैयार कर सकते हैं। देखिए शुगर तो मेल्ट हो चुकी है पर इसे कुछ देर और पकाना होगा तभी ये बढ़िया सा सेट हो पाएंगे। तो अभी हम फ्लेवर के लिए इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर देंगे क्योंकि हमने अभी पनीर में भी इलायची पाउडर ऐड किया है। इसे मिक्स कर देना है और हमने जो पनीर तैयार करके रखा था ना उसे भी साथ में ऐड कर देंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे। पनीर मिक्स करने के लिए आपको गोल वाली कलचरी का सहारा लेना होगा और इसे रगड़ करके मिक्स करना होता है, तभी पनीर अच्छे तरीके से मिठाई में मिक्स हो पाता है। और चलाते चलाते आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी ना थिक हो चुकी है और ये पैन छोड़ने लगा है। अभी इसकी कंसिस्टेंसी और भी ठीक करना है तभी ये बढ़िया से सेट हो पाएगी। और चलाते चलाते इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, पैन को छोड़कर मावा इकट्ठा होने लगा है। बस इसी स्टेज पर गैस को ऑफ करना है, वरना इसे चलाते रहना है ताकि तले में ये चिपके ना, जले ना। अब बिल्कुल परफेक्ट है। कढ़ाई में फैला दीजिए ताकि ये ठंडा हो जाएगा। हमने भी कुछ इसी तरीके से कढ़ाई में फैला दिया था, अब ये ठंडा हो चुका है। इसे आप कोई भी शेप दे सकते हैं। चलिए इकट्ठा कर लेते हैं और अब मन चाहे शेप में स्वीट्स को तैयार करते हैं। पहले अपने हाथों को घी से ग्रीस कर लीजिए, फिर आप 1 छोटा चम्मच या इससे ज्यादा आप हाथों में इस मिश्रण को ले लीजिए। इसे मिक्स करके एक सार कर लेना है, एक गोल पेड़ा जैसा बनाना है, फिर थोड़ा सा लंबा कर देना है कुछ इसी तरीके से। इन्हें आप गोल बना सकते हैं, चौकोर या स्टार शेप में भी तैयार कर सकते हैं, पर हमने मथुरा के फेमस पेड़ों का शेप दिया है। देखिए है ना बिल्कुल परफेक्ट। इन्हें हमने मार्केट वाले लुक में तैयार किया है। तो इसी तरीके से पेपर कप में रखते हैं ना, तो बस
हम भी उसी में ऐड कर देंगे, फिर हम दूसरा पेड़ा भी इसी प्रकार से तैयार करते हैं। तो ये हमारा दूसरा पेड़ा भी बन करके तैयार हो गया, बिल्कुल परफेक्ट। इसे भी पेपर कप में ऐड कर देना है और फिर बाकी पेड़े भी इसी प्रकार बना करके तैयार कर लेंगे। चलिए इस मिठाई को एक खूबसूरत सा लुक देते हैं। तो मैंने ये किशमिश लिया है, इसमें आप पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं, बादाम भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए सभी में ना हम एक एक किशमिश को ऐड कर देंगे। पेड़े अभी लूज है, तभी आपको ये सारी गार्निशिंग करना है। थोड़े से सेट होने के बाद ये कड़े हो जाएंगे तो ये सारी गार्निशिंग निकल जाएगी। थोड़ी सी गार्निशिंग को और बढ़ाते हैं। तो ये मैंने टूथपिक लिया है और इसमें ना हल्की सी पोनी रुई उसे ऐड कर दिया है। फिर यहाँ पर फूड कलर लिया है, इसमें आप केसर कलर भी ऐड कर सकते हैं। इस ऑरेंज कलर में टूथपिक को हल्का सा डुबाएंगे और किशमिश के किनारे से सर्कल बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सर्कल बन के तैयार हो गया, मिठाई भी खूबसूरत सी बन गई है। तो सभी सर्कल हम इसी प्रकार से तैयार करेंगे। तो हमने अभी एक कलर तो यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो मिठाई तो बढ़िया खूबसूरत सी तैयार हो चुकी है। इसका फाइनल लुक अभी बाकी है। मैंने एक और सर्कल बनाया है, तो इसके लिए ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पान कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो टूथपिक पे हल्की सी रुई को लपेट करके सेम उसी प्रोसेस से एक और सर्कल बनाएंगे। तो ऊपर साइड से ना थोड़ा सा अंदर ले लेंगे और नीचे से थोड़ा सा बाहर ले लेंगे, या फिर सर्कल के बाहर से भी सर्कल बना सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा फाइनल लुक तैयार हो गया है। इसी प्रकार से सभी पेड़ों को फाइनल लुक के साथ तैयार करते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत फाइनल लुक तैयार हुआ है ना, लग रही है ना बिल्कुल मार्केट की मिठाई जो हमने घर पर बनाई है। इसे हमने मार्केट वाला लुक दिया है। तो चलिए फिर हम डिब्बे में भी पैक करके दिखाते हैं। तो ये देखिए एक डिब्बे में ना छोटे पेड़े हैं तो 7 से 8 पेड़े आ जाएंगे, थोड़े बड़े साइज में है तो 5 से 6 पेड़े। तो ये देखिए बिल्कुल फाइनल लुक के साथ मार्केट वाली मिठाई तैयार हो चुकी है। ऐसी मिठाई जब किसी को गिफ्ट देंगे या फिर घर में बनाएंगे ना तो लोग देखते रह जाएंगे। इस दीपावली मिठाई को जरूर बनाइएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।